क्या हाल चाल है मेरे शेरों से कुछ बढ़िया ना। ओके तो दोस्तों ये वीडियो बेसिकली है एनएफसी नहीं जानने वालों के लिए, ठीक है। अगर आपको भी नहीं पता है कि भैया एनएफसी क्या है, किस किस चीजों में एनएफसी का यूज किया जाता है, एनएफसी टैग के बारे में आपको नहीं पता, तो आपके लिए ही है ये सारा वीडियो, सिर्फ ये वाला वीडियो। तो क्या आप लोग रेडी है एनएफसी के बारे में जानने के लिए? लगा दिया जाए इंट्रो। आऊ मत कर चूस के खत्म कर, को तो पहले लगम कर, भाग 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 जूते गिरी जरा कम कर, माइक पे गा रहा है साला मर कर मैं देता हूं। ओके तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भैया एनएफसी जो चीज है वो है क्या। अब इसको अगर थोड़ा सा साइंटिफिकली या फिर थ्योरेटिकली देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब इसके नाम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि भैया ये जो चीज है एनएफसी, इसका काम ना आसपास के दायरे तक ही है, ये ज्यादा दूर के रेंज में काम नहीं करता। और ये बिल्कुल सही भी है। क्या बात है, समझ नहीं आ रहा? चलो थोड़ा सा आसान करके बताते हैं। आप अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ यूज करते हैं ना, और वाईफाई भी यूज करते ही होंगे, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से एनएफसी भी इन्हीं जैसा एक फीचर है जो कि कुछ कुछ मोबाइल्स में दिए जाते हैं। फिलहाल तो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि भाई सारे फोनों में एनएफसी दिया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ फोनों में जो है एनएफसी का सपोर्ट रहता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बात करते हैं कि भाई एनएफसी जो है किस काम में यूज होता है। भाई अब देखिए एनएफसी का ना बहुत सारा यूज है, उनमें से एक है डेटा ट्रांसफरिंग। मतलब कि जैसे कि आप ब्लूटूथ के जरिए से अपने फोन से दोस्त के फिर किसी फोन में या फिर किसी भी दूसरे फोन में फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया या फिर कुछ भी शेयर करते हैं और उसी तरीके से वापस रिसीव भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही वायरलेसली एनएफसी भी आपके फोन से दूसरे किसी फोन में डेटा ट्रांसफर या फिर रिसीव भी कर सकता है। अब यह कैसे होता है? मान लीजिए आप किसी भी तरीके का डेटा को कोई एक एनएफसी इनबिल्ट फोन में अपने फोन से भेजना चाहते हैं। अब आपके फोन में एनएफसी है, जिसके फोन में भेजना है उसके फोन में भी एनएफसी है, तो बस दोनों फोन का जो एनएफसी सेटिंग है उसको ऑन करके पास में लाना है। कितना पास लाना है? लगभग 6 सेंटीमीटर के दायरे के अंदर लाके रखना है, ठीक है, क्योंकि एनएफसी का जो रेंज है उतना ही होता है, 3-4-5 मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और भी अच्छा होता है अगर आप इसको टच कर देते हैं, ठीक है, दोनों फोन को टच कर दिया, बस आपका जितने भी फाइल्स है उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए और भेज दीजिए, वो बिल्कुल वायरलेसली और बहुत ही जल्दी जल्दी चला भी जाएगा। ये तो हो गया एनएफसी का पहला काम, डेटा ट्रांसफरिंग। दूसरे काम की बात करें तो वो आता है पेमेंट मेथड, ठीक है। अब आपने कार्ड स्वाइप मशीन तो देखा ही होगा शॉपिंग मॉल वगैरह में या फिर पेट्रोल भरवाते वक्त, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि एक कार्ड मशीन होता है, उसके अंदर कार्ड को स्वाइप करना पड़ता है पेमेंट करने के लिए, है ना। अब यहां पर अगर आपके पास ऐसा एक फोन है जिसके अंदर इनबिल्ट एनएफसी है, तो फिर आप बस उस फोन के अंदर कार्ड के सारे डिटेल्स भर दीजिए, बस आपका फोन ही कार्ड के जैसा काम करेगा। लेकिन यहां पर शर्त यह रहेगा कि मशीन को भी एनएफसी इनबिल्ट होना पड़ेगा, तभी यह काम करेगा, ठीक है। ओके तीसरा जो चीज है वो है एनएफसी टैग। अब इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मार्केट में कुछ ऐसे छोटे छोटे एनएफसी के टैग्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, इसको एनएफसी टैग भी बोला जाता है, इसको एनएफसी चिप भी बोला जाता है, तो आप कोई भी नाम बोलिए मार्केट से आपको ये चीज मिल जाएगा और काफी सस्ते में मिलता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये जो छोटे छोटे टैग्स मिलते हैं इनको आप अपने फोन के साथ कनेक्ट करके कोई एक पर्टिकुलर कमांड इसके अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक टैग खरीदा और इसके अंदर कमांड सेट कर दिया कि जैसे ही मैं एनएफसी ऑन करके इसको टच करूं और अपना जो फोन का फ्लैशलाइट है वो जल जाए। इसको थोड़ा सा और आसान करके समझाऊं तो जैसे हम अपने फोनों में जेस्चर का यूज करते हैं ना, बिल्कुल आप उसी तरीके से यहां पर बहुत सारी चीजों को सेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, एक टैग से बस एक ही कमांड को आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टैग को कमांड वगैरह सेट करके आप कहीं पे भी चिपका के रख दीजिए और एनएफसी ऑन करके बस उसको टच कीजिए, तो आपने जो कमांड सेट किया है वो ये काम कर लेगा। और दोस्तों यहां पर चौथी जो चीज है वो है एनएफसी बिजनेस कार्ड। अभी बिजनेस कार्ड के बारे में तो आपको बिल्कुल पता होगा, एक कार्ड रहता है जो कि बड़े बड़े लोग जनरली यूज करते हैं, ऐसे देते हैं, वहां पर उनका नाम लिखा रहता है, वो जिस भी फील्ड में काम करता है उसके बारे में डिटेल्स दिया जाता है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कार्ड के अंदर रहता है, तो ये कार्ड से तो हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर एनएफसी बिजनेस कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कार्ड की खासियत ये है कि जनरली आपको बिजनेस कार्ड से अगर फोन नंबर को कॉपी करके अपने फोन में सेव करना है तो आपको मैन्युअली एक एक करके नंबर डायल करके सेव करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको कोई एनएफसी इनबिल्ट बिजनेस कार्ड देता है तो
और आपके पास NFC इनबिल्ट फोन है तो बस आपको उस कार्ड के साथ अपने फोन को टच करना है, ओबीएससी NFC को ऑन करके रखना है बस। उसके बाद उस कार्ड के अंदर जितने भी डिटेल्स प्रोवाइड करवाया गया है वो सब कुछ आपके फोन में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि अभी शायद आपके दिमाग में हो सकता है या फिर बाद में कभी आपके दिमाग में आ भी सकता है, तो उसके लिए ये आंसर भी मैं आपको अभी कर देता हूं। आप शायद सोच सकते हैं ऐसा कि भैया शेयर करने के लिए, चीजों को शेयर करने के लिए तो बहुत सारा माध्यम है अपने पास, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, दूसरे बहुत सारे शेयरिंग एप्स अवेलेबल है इंडिया का, तो फिर NFC की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों यहां पर दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है या फिर आप ब्लूटूथ की बात कर लीजिए, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, उसके बाद दूसरे फोन में भी ब्लूटूथ ऑन कीजिए, उसके बाद पेयरिंग रिक्वेस्ट भेजिए, उसके बाद वहां से पेयरिंग एक्सेप्ट कीजिए, फिर जाके आप कुछ डाटा वगैरह भेज सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर NFC दोनों फोन में ही एनेबल्ड है तो बस दोनों फोन में NFC को ऑन कीजिए और पास में लाइए, बस आपका काम हो गया। तो ये काफी जल्दी जल्दी में आपका काम निपटा सकता है। तो जनरली इसीलिए NFC का यूज होता है, ठीक है। अब ये चीज अगर आपके फोन में एनेबल है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे फोन में तो फिलहाल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अभी नहीं है तो नहीं है, रो के क्या फायदा। वैसे मैं रोना बंद कर सकता हूं एक शर्त पर। वीडियो यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ बताना है मेरे को तो कमेंट भी करना है, और अगर आप नीचे जा ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दो, क्या मतलब, ऐसे नए नए वीडियोस रोज मिलता रहेगा और बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहना होगा, ठीक है। चलो, सच का साथ देते हैं सच्चे लोग, मेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे तेरे ऐसे बच्चे लोग, बागे आटे से ले रेला झोले है, कौन और नाच से गली बुलवाया, बस इतना बड़ा तेरा गोल है तू बेटा छोरे।